आप लोगों ने ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक के बारे में तो सुना ही होगा, क्या नहीं सुना? सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि 2019 में एक फिल्म आई थी रोमियो अकबर वॉल्टर, जिसमें जॉन इब्राहिम, जैकी श्रॉफ और मौनी रॉय मुख्य भूमिका में थे। चक दे इंडिया फिल्म में जैसे मीर रंजन नेगी, जो कि एक हिंदू कोच थे, उनकी जगह एक मुस्लिम कोच कबीर खान को दिखाकर मीर रंजन नेगी के नाम को दबा दिया गया, वैसे ही ठीक रोमियो अकबर वॉल्टर फिल्म में ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक की जगह एक मुस्लिम रॉ एजेंट दिखाकर उनके नाम को भी इरेज करने की कोशिश की गई। कौशिक के परिवार वालों ने क्रेडिट लाइन या फिर फिल्म का शीर्षक उनके नाम से करने की मांग की, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर रॉबी ग्रेवाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। कहा कि उनकी फिल्म 4 या 5 अन्य जासूसों के जीवन से प्रेरित है। खैर, बॉलीवुड के इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने वाला एक डिटेल वीडियो हिंदुस्तान का सनीमा यूट्यूब पर आ गया है। लिंक आपको मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी रॉ एजेंट ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक के बारे में और जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। जय हिंद।